लीक तो आपको अपने गालियां दे मुंह रही है या मिट्ठू बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि जब इल्म के मैदान में बात होगी उस दिन मेरे भाई दूध का दूध चाय की चाय हो जाएगी। अरे चलिए इल्म के मैदान में भी हम बात कर लेते हैं आपसे। अच्छा आप बात करेंगे, आप बताइए। जैसे आपने जो है तहज्जुद की अजान पर आपने कुछ दलाइल पेश किए, ठीक है, कि तहज्जुद की अजान जो है वो सुन्नत है। सुल्तान भाई हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोले, हम ये बोल रहे ना कि चलिए इल्म के मैदान पर ही हम लोग बात कर लेते हैं बिना फिजूल के बहस करे कोई फायदा नहीं। जैसे आपने तहज्जुद की अजान पर जो एक वीडियो बना के फारूक खान रजी साहब को जवाब देने की कोशिश की, ठीक है, उसमें आपने बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ पेश की, ठीक है, हदीस का नंबर 621 और 622 जी, आप जो हदीस शरीफ पेश किए हैं तो इस हदीस शरीफ में आपने ये बताने की कोशिश की है कि ये एक अजान जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने दिया करते थे वो तहज्जुद की हुआ करती थी, और हजरत उम्मे मखदूम रजी अल्लाह तआला ने जो है वो अजान जो दिया करते थे वो फजर की दिया करते थे, ठीक है। लेकिन फिर सही मुस्लिम के हदीस शरीफ आपने खुद पढ़ा कि रावी फरमाते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान देकर उतर रहे होते हैं और हजरत उम्मे इब्ने मखदूम रजी अल्लाह तआला ने वो अजान देने के लिए चढ़ रहे होते हैं, यानी दोनों के अजान के बीच का फासला बस इतना ही हुआ करता है कि एक अजान देके उतरते हैं और दूसरा चढ़ रहे होते हैं। तो अब आप ये बताएं कि इस अजान के दरमियान इसमें जो वक्फा है इसमें तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? भाई देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो मेरे भाई हदीस होती है उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई जो पहले सुनने पहले हदीस होते हैं वही समझ सकते हैं। जी तो समझा दीजिए, ठीक है, मुकल्लिदों के बाद आएगी नहीं समझ में। तहज्जुद का वक्त मेरे भाई जैसे खत्म होता है वैसे मेरे भाई जो क्या बोलते हैं नमाज का वक्त जो अपना होता है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो खत्मे सहरी, ठीक है, खत्मे सहरी का जो टाइम होता है, एक मिनट, आपने कहा कि तहज्जुद का वक्त जब खत्म होता है तो कौन भाई पूरा जवाब देने देंगे? या तो मुफ्ती अकमल की बात आप नहीं मान रहे हैं? मुफ्ती अकमल ने भी मेरे उनके हदीस समझ में आ गए क्यों? क्योंकि भाई वो पढ़े लिखे आलिम है, मुफ्ती है, आपके नहीं समझ में। आपके बाद में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे दोनों बार मतलब यार ये क्या मतलब नहीं, आप पहले उनका इनकार कीजिए कि जो उन्होंने बात बताई है गलत बताई है। भागना चाह रहे हैं तो बोलिए, अल्लाह के बंदे हम तो पूरा मानना ही बता रहे थे तो आपने बीच में टोक दिया। मतलब आप ना मेरा भाई ना आप मेरा फहम मानेंगे ना अपने आलिम साहब का मानेंगे तो आप किसका मानेंगे भाई? चलिए ना आप अपनी फहम बताइए ना, आप पहले हदीस है ना, आपने तो कह दिया कि हाँ, तो मुफ्ती साहब का फहम आप मानते हैं कि नहीं? मुफ्ती उनको मानते हैं कि नहीं? मुफ्ती अकमल साहब की तरफ अगर भाग है एक मिठा नहीं पहले लेकिन आप पहले उनका मामला साफ हो जाए कि भाई वो उनको आप जाहिल मानते हैं या आलिम मानते हैं, पहले उनका मामला साफ हो जाए फिर इंशाल्लाह हम आपको माना पूरा समझा रहे ना। मैं सादिक भाई आपको जवाब देने से लाचार हूँ भाई। देखिए अब पहली चीज तो मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, आप कौन से क्या रजा है, ठीक है, अल्लाह आपको अच्छा रखे उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरी मुकम्मल बात करूँगा तहज्जुद के अज़ान की। लेकिन मसला ये है कि जो मुफ्ती अकमल का फहम है वो मैं बयान कर रहा हूँ तो आप उसको नहीं मान रहे हैं, और वही फहम आप उनका मान रहे हो, तो ये दोनों बातें एक जगह मेरे भाई कैसे जमा हो सकती हैं? तो या तो आप उनका इनकार कीजिए फिर मैं आपको बताऊं। अभी सुनिए, अभी हमने आपसे हदीस शरीफ के बारे में पूछा तो आप हदीस बता रहे हैं ना, पहले आप अपने मेरे भाई अल्लामा को तो बताइए कि उनका फहम सही है गलत है। कयामत तक पूरी गैर मुकल्लियत भाई, देखिए अब बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल बच्चे करके कोई फायदा नहीं है, जब आप अपने मेरे भाई मुफ्तियों की इज्जत नहीं करते हो, उनकी बात को जूतों के मुंह पे रख के उड़ा देते हो, तो जिनके मुकल्लिद हो उनकी बात हुज्जत नहीं मान रहे हो तो मेरा बताया हुआ फहम आपके कहाँ से आ जाएगा समझ में? ऐसे बात मैं तो समझाने की बड़बड़ाते रहोगे हम भी बड़बड़ाते रहेंगे तो आप ही बड़बड़ा रहे हो भाई। मेरा तो सीधा सवाल है कि जो मुफ्ती अकमल साहब ने कहा था कि तहज्जुद की अजान देना बकायदा ये सुन्नत है, आप इस चीज को मानते हो कि नहीं पहले ये बताओ? ठीक है, उन्होंने कहा हमारी और आपकी सुन्नत और बिदात की तारीख में जमीन और आसमान का फर्क है। आप उनका फहम मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत हम उनकी एकदम मानते हैं, बिना सुबह बिना शुबह मानते हो ना, तो जो चीज आप मानते हो तो जबरदस्ती उसके ऊपर कील काल क्यों कर रहे हो?
अरे तो आपके और हमारे अजीब हो मेरे भाई के। अरे तो आप कहते हो कि सुन्नत, आप कहते हो यार, मतलब यार ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर बरेलवी आलम कहेगा कि अल्लाह एक है तो तुम मानोगे, और अफू खान कहेगा अल्लाह एक है तो नहीं मानोगे। अरे जब दोनों बात एक ही कह रहे हैं तो दोनों की मानो ना, ये कौन सी बात होती है? ये गलत चीज है भाई, यहाँ पे आप अटक चुके हैं, फंस गए आप। आप अपने जाल में उलझ गए, आप फंस चुके हो, उलझ गए आप अपने जाल में, क्योंकि आपके मेरे भाई मुफ्ती अकमल साहब ने बेचारा इतना जबरदस्त धक्का मार दिया अभी, कि आज तक बेचारा ना तो लैपटॉप बाबा उसका जवाब दे पाया है और ना बाकी उसके अंडे मुकदमे दे पा रहे हैं। अब रही बात मेरे भाई की, वो हदीस है, अब आते हैं हदीस के ऊपर, ठीक है? तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया तहज्जुद की अजान देना सुन्नत है, ठीक है? चलिए आप हदीस की तरफ आइए। मान लिया ना तहज्जुद की अजान के बारे में सुन्नत है, किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? अब मेरे भाई अल्लाह के नबी ने तो अजान दी नहीं है, ठीक है? अकमल साहब ने जो सुन्नत कहा तो किनकी सुन्नत कहा उन्होंने? तहज्जुद की अजान देना सुन्नत है। हाँ, किनकी सुन्नत उन्होंने कहा? किसकी सुन्नत है मेरे भाई? अहले इस्लाम किसकी सुन्नत कहा? अच्छा भाई, कौन अजान दे रहा था मेरे भाई? इमाम साहब जाके दे रहे थे वहाँ पे, आला हजरत साहब, अजान कौन दे रहा था? किसकी सुन्नत मुफ्ती साहब? अरे जो अजान दे रहा था वो कौन दे रहा था, वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ पर? अरे भाई आपने लग रहा वीडियो ठीक से देखा नहीं है। हम एकदम अच्छे से वीडियो देखे और आपकी वीडियो तो मुफ्ती अकमल साहब ने किसका नाम लिया था कि कौन अजान दे रहा था? जवाब नहीं, कौन से दो साहबियों का नाम लिया था, उनमें से कौन से गंदे साहबी थे? आपने ना साहबी क्या लिया? मुफ्ती साहब ने तो नहीं लिया। माजल्ला अस्तगफुरुल्ला, वीडियो पे आपने झूठ बोल दिया भाई। अभी आपकी ऑडियो के साथ भाई उस वीडियो को लगाऊंगा। आपकी वीडियो नहीं देखी। उन्होंने खुद साहबी का नाम लिया है। किसने? आपकी मुफ्ती साहब ने। आपने साहबी का नाम लिया? हाँ हाँ, और उन्होंने कहा है नाबीना साहबी का भी नाम लिया, बिलाल का भी नाम लिया रहमत अल्लाह तआला। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किसकी सुन्नत हुई? साहबी की सुन्नत उनकी नहीं हुई, ठीक है? तो आप ये हदीस शरीफ हमको समझा दीजिए। अरे साहबी की सुन्नत हुई कि नहीं, मान लिया ना आपने तहज्जुद के अजान देना? अरे वो तो हम बाद में बताएंगे ना कि माने की अल्लाह के बंदे, मतलब क्या है हद है, मतलब अपने मुफ्ती की बात बाद में बताओगे, हद है शर्म आनी चाहिए भाई आपको। उनकी वजाहत हम आपको बाद में करेंगे ना, उनकी वजाहत हम और सारे साहब ने खुल के ओपन कहा है वीडियो में, उनके जुमले आपको बता देता हूँ फिर से एक बार लीजिएगा। मुफ्ती साहब ने कहा है कि तहज्जुद की अजान देना बाकायदा सुन्नत है, जो अरब कंट्रीज है वहाँ पे ये सुन्नत भाई आज भी फॉलो होती है, जिंदा है, ठीक है? तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि बाकायदा सुन्नत है, तहज्जुद की अजान देना सुन्नत है, तो उन्होंने किसकी सुन्नत कहा है? बात की वजाहत हम आपको करेंगे, लेकिन आप पहले भाई आप कुछ नहीं करेंगे। हमने सऊदी अरब तुम्हारा माई बाप है ना, जिसके सदके में तुम पलते हो, जिसके टुकड़ों में तुम्हारी परवरिश होती है। सऊदीया में तहज्जुद की अजान होती है, मुझे पूरी सियासत में तहज्जुद की अजान होती है और ये जायज है। बुजुर्ग के जमाने में होती थी या साहबा के जमाने में या ताबई तबे ताबई के जमाने में, मुझे पूरी सियासत में से हदीस दिखा। दुनिया अहले हदीस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जायज औलाद होना अपने अब्बा की, साबित करो तहज्जुद की अजान रसूल के जमाने में होती थी, सहाबा के जमाने में होती थी, ताबई के जमाने में, तबे ताबई के जमाने में, अइमा मुज्तहिदीन के जमाने में, औलिया सालेहीन के जमाने में, तुम्हारी हुकूमत से पहले कब तहज्जुद की अजान होती थी, साबित करके बता दो। ये बिदअत है। यहां से वहां तक इनकी हुकूमत से पहले आप देख जाइए, किसी जमाने में तहज्जुद की अजान नहीं हुई। कब्र पर अजान पूछने वाले पहले अपने तहज्जुद की अजान का जवाब लाओ, बाद में कब्र की अजान भी की जाएगी। एक भाई ने पूछा कि तहज्जुद की अजान की शरई हैसियत क्या है, इसका क्या हुक्म है? देखिए बाकायदा सुन्नत करीमा है, देखिए बाकायदा सुन्नत करीमा है, और अफसोस की बात है कि हमारे यहां जिस सुन्नत खत्म हो गई है, बाज अरब कंट्रीज में अब भी सुन्नत को जिंदा किया हुआ है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की अजान पर मुकर्रर थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की अजान पर मुकर्रर थे, और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी थे, ये अक्सर फजर की अजान दिया करते थे। तो बाकायदा अजान होती थी। दुनिया अहले हदीस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जायज औलाद होना अपने अब्बा की,
साबित करो ये तहज्जुद की अज़ान रसूल के जमाने में होती थी, सहाबा के जमाने में होती थी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की अज़ान पर मुकर्रर थे और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी थे, ये अक्सर फजर की अज़ान दिया करते थे, तो बाकायदा अज़ान होती थी। ये बिदअत है। देखिये बाकायदा सुन्नत करीमा है और अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जिस सुन्नत खत्म हो गई है, बाज अरब कंट्रीज में अब भी सुन्नत को जिंदा किया हुआ है। तुम्हारी हुकूमत से पहले कब तहज्जुद की अजान होती थी, साबित करके बता दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहज्जुद की अजान पर मुकर्रर थे और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी थे, ये अक्सर फजर की अजान दिया करते थे, तो बाकायदा अजान होती थी। अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है, तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है, तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है।